तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ब्रेकिंग बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, प्रदेश भर में कोरोना लगातार तेजी से पैर पसार रहा है और यह अब आंकड़ा 168 तक पहुंच चुका है। जी हां, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये 168 तक पहुंच चुकी है और प्रदेश में अभी तक 35 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर में आज दो और मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है क्योंकि जितने भी मामले आज सामने आ रहे हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हीं के ही आ रहे हैं। तो जयपुर में आज मिले हैं 7 पॉजिटिव तबलीगी जमात, 6 महाराष्ट्र और 1 झारखंड से आए थे जयपुर। बीकानेर में भी 2 तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दौसा में भी 1 कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। तो चलिए इस वक्त हमारे संवाददाता लोकेश ओला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, आप भी इस खबर को कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं अधिकतर वो मामले हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े संपर्क में आए लोगों के हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसी में आज सबसे अधिक जो कोरोना के केस है वो आए हैं। अब तक के आज कुल 35 कोरोना के पॉजिटिव वो सामने आए हैं जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। वही अब तक जो भी कोरोना के पॉजिटिव वही सामने आए उनमें जो 31 जो कोरोना पॉजिटिव है वो तबलीगी जमात से आए हुए लोग हैं। वही बात करें तो अब तबलीगी जमात से भी अब तक जो 12 टोंक में जो आज कोरोना पॉजिटिव मिले वो तबलीगी जमात के लोगों से संपर्क में आने के बाद में ही कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, यानी कि वो कोरोना में से संक्रमित हुए हैं। इसी तरह बात करें जयपुर, जयपुर में भी आज जो 12 कोरोना के पॉजिटिव वही सामने आए वो भी तबलीगी जमात से आए हुए हैं, वो राजस्थान के अन्य इनकी जो जो प्रदेश है राज्य है उनसे जयपुर में आए थे, वहां से जयपुर में आए थे और अब लोगों के संपर्क में आए थे। हालांकि जो जो लोग संपर्क में आए उनके अभी तक पॉजिटिव रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी उनको आइसोलेट किया गया है और उनके भी जांच सैंपल भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। जिस तरह से लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उसमें अब तक कुल जो 168 कोरोना के पॉजिटिव मरीज है वो सामने आ चुके हैं जो एक बड़ी संख्या है। वहीं ईरान से जो भारतीय नागरिक लाए गए थे उनमें से भी आज 3 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और वो अब कुल मिलाकर जो ईरान से भारतीय नागरिक लाए गए थे उनमें से 21 कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि इनकी और जो जांच सैंपल है वो भेजे गए हैं, लेकिन जिस तरह से बात करें तो अब तक जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं शाम तक आज 6 बजे तक, तो उसमें जिस तरह से लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं उनमें अभी तक जो 328 सैंपलों की जांच है वो अभी तक और रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं जिस तरह से प्रदेश में करीब 9000 के करीब सैंपल लिए गए उनकी जांच रिपोर्ट भेजी गई है, उन्हीं में जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं उनमें 168 अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज प्रदेश में आ चुके हैं। जो आज सबसे अधिक है इनकी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आए तो वो है 35 जो अब तक का सबसे अधिक जो आंकड़ा है वो है। इस तरह से लगाया जा सकता है राजस्थान तीसरे स्टेज में पैर रख चुका है और दिन पर दिन जिस तरह से कल जो कोरोना पॉजिटिव आए थे उससे अधिक संख्या में आज कोरोना के पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता लोकेश ओला हमें ताजा अपडेट दे रहे थे कि अब आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक बात करें पूरे प्रदेश भर की तो 35 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी।